मधुबनी जिले के एनएच 104 के किनारे स्थित एक स्कूल परिसर में अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 9वीं के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 छात्र बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद से स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस हादसे के बाद से मृतक छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। जी नवीन, मधुबनी से लापरवाही की वारदात सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? यह घटना लौगा थाना क्षेत्र की है, जहां मुकेश कुमार साह नामक एक व्यक्ति जो कि एनएच 104 पर कार चला रहा था, जो सीखने का प्रयास कर रहा था, उसी दौरान अनियंत्रित होकर एनएच 104 के किनारे लक्ष्मी नारायण प्लस 2 उच्च विद्यालय था, उसमें घुस गया, जहां परीक्षा चल रहा था, 9वीं का वार्षिक परीक्षा, जिस दौरान 3 छात्रों को कुचला, जिसमें एक छात्र का मौके पर ही मौत हो गया, जिसका नाम श्रवण शाह बताया जा रहा है। नवीन, घायल छात्रों की स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है? 2 छात्र जिसको खुदौना पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, उसका भी हालत नाजुक बताया जा रहा है। नवीन, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है और परिजनों की क्या मांग है? परिजनों की यही मांग है कि उन्हें न्याय मिले, और मौके से विद्यालय का जो ही प्रधानाध्यापक था वो फरार हो गया, और जो मृत छात्र के परिजनों के द्वारा लौकहा थाना के नजदीक लाश को रखकर हंगामा किया गया। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।